दोस्तों तिब्बत में स्थित 6638 मीटर ऊंचे इस कैलाश पर्वत को आखिर कौन नहीं जानता। ये कैलाश पर्वत अपने आप में ही एक रहस्य है जिसका खुलासा वैज्ञानिक अभी तक नहीं कर पाए हैं। माना जाता है कि मानसरोवर झील में डुबकी लगाने से पिछले 7 जन्मों के सभी पाप मिट जाते हैं, इसीलिए तो कैलाश पर्वत का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। बात करें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, जिस पर अभी तक 7000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं और वही कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से लगभग 2210 मीटर कम है। कैलाश पर्वत पर कभी किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई सारी कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर शिव जी निवास करते हैं और इसीलिए कोई जीवित इंसान वहां ऊपर नहीं पहुंच सकता। मरने के बाद या वह इंसान जिसने कभी कोई पाप न किया हो केवल वही कैलाश पर्वत पर चढ़ सकता है। रूस के एक पर्वतरोही सगरे सिस्टिया को ने बताया कि जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका, लेकिन अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। मन ही मन में ये ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे मैं नीचे आते गया मेरा मन हल्का होता गया। दोस्तों ये शिव जी का चमत्कार नहीं तो और क्या है? कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना।